मैंने देखा कमेंट जैसे ये छपरी वाला, तो मैंने उसकी प्रोफाइल खोल के देखी। हेलो गाइस, स्वागत है आपका। एक वीडियो हम बात कर रहे हैं पीयूष यादव के बारे में। तो आप सोच रहे जब से पीयूष यादव बिग बॉस जीते थे तो उनका बहुत सारे फोरकास्ट भी आउट हुए थे, लेकिन वो बार तो ठीक है चल, उनका फोरकास्ट नहीं आया था। तो आप बता दें उनका भी बार थी कि जो फोरकास्ट आउट हुआ है, जब उन्होंने पूछा कि अभी तो उनके चैनल पर नहीं आए, लेकिन उससे पहले पीयूष यादव ने उनको लोग चैनल पर डाल रखा है। तो वहाँ पर उनसे पूछा गया कि आपने मुझे वोट दिया था, सपोर्ट किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने वोट तो नहीं दिया, लेकिन मुझे पता था कि आप ही जीतोगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि वहाँ पर उन्होंने लव कटारे को लेकर बात कही है कि लव कटारे वाले का एंट्री बॉस में जाने वाले हैं, तो आप तो उन्होंने कहा है वाई तो इसे सपोर्ट करना और इसे वोट देना। तो इसी चीज़ पर उन्होंने कहा कि आपने और मुझे कितना सपोर्ट किया था और कितना नहीं, यही बताया। लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार कि तो आप गुंडे टाइप के लगते हो, इसीलिए गुंडे जैसे दिखते हो आप, क्योंकि मुंह ऊपर रखते हो। तो मैंने वहाँ चलो तो हम बात करते हो पीयूष यादव। तो पीयूष यादव मिले बागेश्वर धाम बाबा से, जहाँ पर वन के साथ बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार सोनू सूद, जैकलिन और राघव शर्मा भी थे। और आपको बता दें वहाँ पर उन बागेश्वर धाम से बातचीत भी की और आपको फोटो भी देखी बारे में। तो आपने साथ बताया कि मैं किसी बाबा पर भी विश्वास नहीं करता, लेकिन इन पर भी मैंने विश्वास किया है कि उन्होंने मैंने जैसा हुआ वैसा ही उन्होंने कहा है एक पर्चे में लिख कर दे। तो आप सभी बता हुआ तो उसी पर उन्होंने विश्वास का एक पर्चा बना के बनाया था और उन्होंने पूरी सच्चाई बताई इसी पर उनके। अगर आपको ज़्यादा जानना तो उनके ब्लॉग चैनल पर जाकर देख सकते हो पूरे वीडियो। वहाँ पर पीयूष यादव को बता दी छपरी छपरी कमेंट करते हैं तो सभी, तो वहाँ पर उनका पॉडकास्ट आउट हुआ है, जहाँ पर उनसे पूछा कि यार छपरी, तो उनका छपरी तो उन्होंने एंग्री लटका देता है कि ना तो मैं के टेम चलाता हूँ, ना कोई मैं ऐसी हेयर स्टाइल रखता हूँ जिससे कोई मुझे छपरी तो ऐसे छोटा छोटा गया हुआ है डायलॉग है जिससे मुझे नीचा दिखाने का नीचा दिखाया जा सके। लेकिन जब मैंने उस बंदे की प्रोफाइल देखी तो वो खुद छपरी लग रहा था। और इसी चीज़ पर उन्होंने कहा कि मैंने तो ना कभी छपरी से छपरी वर्ल्ड और बहुत सारे प्रोफाइल देखी तो वो खुद छपरी लग रहे जो मुझे छपरी कहते हैं। और आप तभी पहले भी इस चीज़ पर रिप्लाई दे सकते कि छपरी कहने वालों मेरा बैग पहन चेक करो कौन छपरी है कौन नहीं। और आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलो हम बात करते हैं लव कटारे के बारे में। तो आप सोचते हो उनको एक क्यूएनए वीडियो है जहाँ उनसे पूछा गया था कि आप मुना आप उनको सब ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो आप लोग आपको पता होगा पीयूष यादव और मुनावर के फैन आपस में एक दूसरे को रिप्लाई और ट्विटर पर ट्वीट करके ट्रेंडिंग वही चलाए रहते रहते हैं। तो आपको बता दें वहाँ पर भी लव कटारे ने रिप्लाई देते हुए कहा कि मेरा कोई पर्सनल ये नहीं है, हेट नहीं है मुनावर से, ना कोई मैं उनसे कुछ हेट रखता हूँ और ना फिर मैं अभिषेक को सपोर्ट करता हूँ और मैं उस और वो भी अभिषेक को सपोर्ट करता हूँ, जो इसी वजह से मैं मुनावर को क्यों हेट दूंगा और मैं ज़्यादा कुछ बात भी नहीं है हमारे बीच, तो सिर्फ इसीलिए मैं उसे ज़्यादा हेट नहीं दे सकता। और आपको बता दें मुनावर के फैन भी ज़्यादा हेट नहीं देना चाहिए हमें। तो आपको बता दें अभी पीयूष यादव के बहुत सारे पॉडकास्ट आउट हुए हैं, तो वहाँ पर उनसे एक पर्सन पूछा गया कि आपका मनी निशा के साथ अभी रिश्ता कैसा है। तो वहाँ पर वो कहते हैं अभी बहुत अच्छा रिश्ता है और बहुत ही अच्छा है। तो अभी आपको बताया मनी निशा ने डांस शो में गई हुई, तो वहाँ पर उनका वहाँ मुझे पता था कि वो डांस शो में जाएगी, उससे डांस अच्छा करना होता है, तो इसी चीज़ पर उन्होंने रिएक्ट किया। तो आप पीयूष यादव को लेकर क्या कहना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को लाइक करें और वीडियो को चले। चलो भाई सब हम बात करते हैं टगेश के बारे में। तो टगेश ने रोस्ट किया था देविका को, तो आप सबको बता दें जब देविका को रोस्ट किया था तो वहाँ पर उनको पीयूष यादव को ट्रोल कर देते, तो पीयूष यादव के फैन टगेश से बहुत ही ज़्यादा नाराज है। तो आपको बता दें उन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड पर ट्विटर चला रखा है कि पीयूष यादव पर बार बार ट्रोल करते हैं टकेश उनके रोस्ट वीडियो में, जैसा कि आपने देविका को ये वीडियो देखा होगा कि पीयूष यादव सिर्फ उनको फिर को अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। और वहाँ पर उन्होंने एक और क्लिप शेयर की थी पीयूष यादव को जो किसी का अकाउंट उड़ाने की बात की थी, तो वहाँ पर उनसे फिर पीयूष यादव को बहुत सारा ट्रोल किया गया। तो इसी पर पीयूष यादव के फैन टकेश को बहुत ही ज़्यादा हेट दे रहे हैं। और आपको बता दें उनको पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, उन्होंने ट्विटर पर भी ट्रेंडिंग पर बहुत सारी फोटो शेयर कर रखे हैं, जहाँ पर टगेश ने जब भी रोस्ट वीडियो लाते हैं तो थोड़ा बहुत
पीयूष यादव को ट्रोल करते हैं, तो इसी पर उनके फैन बहुत ही ज़्यादा नाराज है टगेर से, और वहाँ पर कहा है कि ये दोगला है टगेर, जो पीयूष यादव को बिग बॉस जीतने पर गुस्सा है, वो नाराज है, ये फुकरा इंसान का दोस्त है, तो इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि बिग बॉस पीयूष यादव जीते, ऐसा कोई उनके दोस्त का कहना कि फुकरा इंसान का दोस्त है या उनका चमचा नहीं, तो ये भी उन्होंने बहुत सारे का कहना, तो आप इस चीज़ को लेकर क्या कहना, तो कमेंट करके जरूर बताएं, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आप ठगे इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या ठगे ने सही किया या गलत, कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम बात करते हैं पीयूष यादव का, तो आपसे कुछ दिन पहले पीयूष यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ कुछ घंटों के लिए उठ गया था, उस सर्च में भी नहीं आया, तो वहाँ पर जब पीयूष यादव सोचा कि आपका अकाउंट सर्च पे नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा था कि जल्दी आ जाएगा, और वो उठ चुके हैं, तो जल्दी आ जाएगा, तो आप बता दें ध्रुव भाटी का न्यू वीडियो है जो मालदीप और लक्षद्वीप कंट्री, आपको बता दो कैसे चले, तो इस पर उनका एक न्यू वीडियो है, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपको एक न्यू शो में है बिग बॉस को लेकर, तो वहाँ पर वो बिग बॉस भी उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला उनके फैंस द्वारा, तो आपको उनके 3 लाख+ लाइक कम्प्लीट हो चुके हैं, और 10 डी पे 45वें नंबर पर चल रहा है, तो आप बताइए पीयूष यादव का भी मालदीप को लेकर रिप्लाई आया, तो और काश में उनसे पूछा कि मालदीप, तो उन्होंने कहा था कि कौन सी जगह, तो उससे भी लक्षद्वीप, तो उन्होंने कहा बहुत ही अच्छी जगह है, और आप जाना चाहेंगे तो आप इस चीज़ को लेकर क्या कहना, तो कमेंट करिए, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।